या भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से झूठ फरेब की राजनीति करते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ के इस प्रकार नाला सुपारे में अपद्रव मचाया कोरोना महामारी को देखते हुए जो ये देशद्रोह वाला काम किया है उनके ऊपर मेरी मांग है तुलिंज पुलिस चौकी में मुकदमा दर्ज हो, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ किसी न किसी छोटे मुद्दे को लेके राजनीति करते हैं, आंदोलन करते हैं, बाद में उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाता है। नालासोपारा में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नाना पाटोले का पुतला जलाकर आंदोलन किया था और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी। हालांकि इस सब मामले पर तुलिंज पुलिस स्टेशन ने सभी आंदोलनकारियों पर मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन भाजपा के इस रवैये से कांग्रेस ने अब इस पर तंज कसना शुरू कर दिया है। सुनिए इस पूरे विषय पर कांग्रेस के रतन तिवारी ने क्या कुछ कहा। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से झूठ फरेब की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पर राजनीति करते हैं और इनको मालूम होना चाहिए, खुद ही कल रात को ही नाना पटोले जी ने स्पष्टीकरण कर दिया है कि जहां पे वो प्रचार कर रहे थे गुंडिया में, वहां पे उनके गांव में एक मोदी नाम का एक छोटा सा गुंडा है, उसको मारने की बात वो कर रहे थे और ये भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ के इस प्रकार नाला सुपारे में अपद्रव मचाया कोरोना महामारी को देखते हुए। इतनी भीड़ इकट्ठा हुई और नाना पटोले के ऊपर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की और नरेंद्र मोदी को इस छोटे गुंडे और मोदी से जोड़कर जो ये देशद्रोह वाला काम किया है उनके ऊपर मेरी मांग है तुलिंज पुलिस चौकी में मुकदमा दर्ज हो, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। देखो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ किसी न किसी छोटे मुद्दे को लेके राजनीति करते हैं, आंदोलन करते हैं, बाद में उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाता है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के नाम पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद के ऊपर चर्चा हो रही है। मैं बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर अगर ऐसी अभद्र टिप्पणी अगर आपको कोई करता है या कुछ ऐसे अनुचित शब्द का प्रयोग करता है, आप पुलिस प्रशासन के पास आइए, ज्ञापन दीजिए, जैसे हम कांग्रेस के लोग पुलिस प्रशासन के पास आते हैं, गांधीवादी सिस्टम से आते हैं और हम अपना काम करके जाते हैं। देखिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है,